सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कोरह के पुत्र, श्राप से अनुग्रह तक। कुछ दिनों पहले जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, एक वचन ने मेरे ध्यान को बहुत आकर्षित किया और वो वचन था गिनती की पुस्तक 26:11। एक छोटा सा वचन है लेकिन उसने मुझे सोचने पर बहुत विवश किया। मैं वो वचन आपसे बांटना चाहूंगी। गिनती की पुस्तक 26:11। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। इस वचन में लिखा है कि कोरह के पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई। इस वचन ने क्यों मुझे सोचने के लिए विवश किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोरह कौन था, उनके पुत्र कौन थे, इस विषय में मैं आज आपके साथ अध्ययन करना चाहूंगी। जब इसराइल के लोग मिस्र में गुलामी में पड़े हुए थे, तब उन्होंने परमेश्वर से याचना की और परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उनको फिरौन के चंगुल से बचाया, गुलामी से छुड़ाया। और उसके बाद लगभग 40 वर्ष वो लोग रेगिस्तान में वो लोग चल रहे थे। उस समय परमेश्वर ने अपने वाचा का संदूक और अपने मिलाप का तंबू, इन सब बातों का निर्माण करने की आज्ञा दी ताकि वो लोग अपने परमेश्वर की वहां पर आराधना कर सके। आराधना की सारी वस्तुओं, मिलाप के तंबू, इन सब की सुरक्षा करने के लिए, इनको ढोने के लिए परमेश्वर ने इसराइल के 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को चुना था और लेवी गोत्र को यह विशेष अधिकार मिला था कि वह परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं, वहां सेवा टहल कर सकते हैं। लेवी गोत्र का एक व्यक्ति था कोरह, और कोरह और उनके पुत्रों को परमेश्वर के नियम अनुसार उनका काम यह था कि वह उस वाचा के संदूक को उठाकर चले और यही नहीं, उस मिलाप के तंबू के बर्तनों को वह सुरक्षित रखे। इन सारे आलय के कार्यों को इन लोगों को सौंपा गया था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, कोरह जो एक अगुआ था उसे लगने लगा कि मैं क्यों ये सब कार्य करूं, ये मजदूरी वाला मेहनत वाला काम तो मैं कर रहा हूं और हारून तो वहां याजक के रूप में वहां पर बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। और कुछ समय बाद कोरह के मन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस कार्य से एक घृणा समान होने लगी और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर मूसा और हारून के विरुद्ध में और एक रीति से परमेश्वर के विरुद्ध में उसने बगावत कर दी। उसके इस बगावत के समय मूसा उससे बहुत क्रोधित होते हैं और उससे कुछ इस प्रकार कहते हैं, गिनती की पुस्तक 16:9, क्या तुम इसे छोटी बात जानते हो कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग किया, अपने निवास की सेवकाई के लिए चुना, मंडली के सामने खड़े होने के लिए लाया और उसकी सेवा टहल करने की आज्ञा दी। क्या कोरह तुम्हारे लिए ये छोटी बात है और अब तुम याजक के पद के भी खोजी बन रहे हो, तुम हाई प्रीस्ट बनना चाहते हो, मूसा ने कोरह से पूछा। लेकिन कोरह अपनी बगावत में बना रहा और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और उसको एक ऐसा श्राप मिला, परमेश्वर का ऐसा दंड मिला जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं। गिनती की पुस्तक 16:32, भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों को और उनकी सारी संपत्ति को निगल लिया और वे उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उन्हें ढांप लिया और वे मंडली के बीच नष्ट हो गए। ये था कोरह और उसके परिवार का अंत। सो यहाँ पर लिखा गया है कि कोरह और उसके पूरे घर बार का अंत हो गया था, लेकिन यही बात जब गिनती की पुस्तक 26वें अध्याय में लिखी है वहां पवित्र आत्मा ने एक बात सूचित की है कि कोरह के पुत्रों का अंत नहीं हुआ, उनका नाश नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, बाइबल उसे व्यक्त नहीं करती है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अगर कोरह को उसकी शिक्षा मिली तो फिर उनके पुत्रों को भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि इन सब के बीच में कोरह के पुत्रों ने परमेश्वर से क्षमा याचना की होगी, उन्होंने अपने पिता के पाप को अंगीकार नहीं किया, उन्होंने अपना स्टैंड व्यक्त किया कि वो यहोवा परमेश्वर के साथ हैं और यहोवा परमेश्वर के अगुआ मूसा और हारून के साथ हैं और इस कारण से शायद वो बच गए होंगे। आज हम कोरह के पुत्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कोरह के पुत्रों के बारे में हम ऐसा देख सकते हैं कि उनमें एक अलग आत्मा थी, दे हैड अ डिफरेंट स्पिरिट। एक रीति से देखा जाए तो उनका जीवन कितना दुखमय है, कितना कष्टमय है। उनके माता पिता दोनों की एक ही समय मृत्यु हो गई, एक ही रात में वो लोग अनाथ हो गए।
उनको देखने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला, उन्हें प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। उनके रिश्तेदार भी इस बगावत में भूमि के द्वारा निगल लिए गए थे। एक रीति से देखा जाए तो कोरह के पुत्रों को परमेश्वर से सबसे ज्यादा घृणा करनी चाहिए थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी बात थी जिसने उन्हें श्राप से निकालकर अनुग्रह की ओर ले गए। और उनके जीवन में इतना परमेश्वर का अनुग्रह आया कि 11 भजन संहिता 11 साम्स कोरह के पुत्रों के द्वारा लिखी गई हैं और उनको आज भी हम पढ़ते हैं और उसका उपयोग परमेश्वर की आराधना में करते हैं। तीन बातें हम कोरह के पुत्रों के जीवन से देखना चाहेंगे। पहली बात तो उन्हें परमेश्वर से सबसे ज्यादा घृणा, सबसे ज्यादा क्रोध आना चाहिए था कि उनके माता और पिता और उनके रिश्तेदार सभी को परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोरह के पुत्रों की बात कुछ अलग थी। अगर हम उनके भजन संहिता देखें, भजन संहिता 42 का 1, साम्स 42:1, उसमें वो परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो परमेश्वर से घृणा करते हैं या परमेश्वर को चाहते हैं? इस वचन में हम देखेंगे, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ, जीविते परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूँ। कोरह के पुत्र लिख रहे हैं उन्हें परमेश्वर से घृणा नहीं बल्कि परमेश्वर से स्नेह है। वो परमेश्वर से सबसे ज्यादा चाह रखते हैं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, उनका जीवन इसलिए अनुग्रहित हुआ। दूसरी बात जो हम उनके जीवन में देखते हैं, उनके पिता कोरह ने परमेश्वर ने जो उनको कार्य दिया उससे उनने घृणा की। They were contemptuous of the work God had given them. परमेश्वर ने जो उनको कार्य दिया उन्होंने सोचा कि ये तो मजदूरी का काम है, ये तो सामान ढोने का काम है, ये मैं क्यों करूं, ये तो बहुत तुच्छ काम है। लेकिन कोरह के पुत्र अपने पिता से बिल्कुल ही अलग थे जिस कारण से उनका जीवन श्राप से निकलकर अनुग्रह बना। इस विषय के बारे में हम भजन संहिता 84 के 10 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 84 कोरह पुत्रों के द्वारा लिखा गया एक साम्स है और उसमें वो लोग इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के ड्वेड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। कोरह के पुत्र कह रहे हैं, मैं परमेश्वर के आलय का द्वारपाल बनना चाहता हूँ और वो उससे भी अच्छा है कि मैं दुष्टों के तंबुओं में वास करूँ। उनके जीवन में हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर की ड्वेड़ी से प्यार किया। उनके पिता ने जिस बात से घृणा की उन्होंने उसकी महिमा को समझा और उन्होंने अपने हृदय से लिखा, सेनाओं की यहोवा, मैं आपकी ड्वेड़ी में एक द्वारपाल बनकर रहना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मान किया, परमेश्वर ने भी उनका मान किया। तीसरी बात हम कोरह के पुत्रों के जीवन में देखते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सोचते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में हमने ग्रहण किया है, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, हम उनके लिए भूखे और प्यासे हैं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन कोरह के पुत्रों के जीवन में हम देखते हैं कि इतना कुछ वो परमेश्वर से जुड़े रहने के बाद भी उनके जीवन में कष्ट आए, उन्होंने उसका सामना कैसे किया, इसके विषय में उन्होंने एक भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 42 का 3, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, मेरा जीवन आंसुओं से भरा है और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? उनसे लोग पूछ रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास अर्पित किया है और लोग उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तूने जो अपना विश्वास बोला था, उसका बयान किया था, कहाँ है तेरा परमेश्वर? कहाँ है तेरे परमेश्वर की सहायता तेरे लिए? और उस समय जब हमारे विश्वास के अंगीकार के बावजूद भी हम उसका फल नहीं देखते, हम लोग निराश हो जाते हैं। और निराशा में गए कोरह के पुत्र उस समय भी अपना विश्वास एक बार फिर परमेश्वर पर अर्पण कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, भजन संहिता 42 का 4, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। वो फिर से अपना विश्वास अपने कष्ट के दिनों में परमेश्वर पे लगाए हुए हैं। वो अपने हृदय से बोल रहे हैं, तू क्यों व्याकुल है? वो समय आएगा, परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। ये सारी बातें थी कोरह पुत्रों के बारे में जो बहुत अलग थी। और उनका परिवार जो एक रीति से श्रापग्रस्त था, उनके पिता जो उनके लिए एक खराब उदाहरण थे, बुरे उदाहरण थे, उनका जीवन देखकर वो नहीं सीख सकते थे। लेकिन न माता न पिता जो उनको सिखाने के लिए थे,
फिर भी उन्होंने परमेश्वर का हाथ थामे रखा। यहोशु कहता है, मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन कोरह पुत्र ये नहीं कह पाते क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उनके पिता ने बगावत की थी। हालेलुया। लेकिन उन्होंने खुद एक निर्णय लिया, मैं इस परमेश्वर से लिपटे रहूंगा। हालेलुया। मैंने जो बुरे उदाहरण देखे हैं उससे मैं सीखूंगा और मैं उस प्रकार नहीं बनूंगा। उनका ये निर्णय उनके परिवार पे जो श्राप था उसको हटाकर अनुग्रह का वो एक कारण बने। अगर हम निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, निर्गमन 20:5, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड मैं दिया करता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, आई विजिट देयर इनिक्विटी टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, तीसरे पीढ़ी चौथे पीढ़ी तक परमेश्वर का क्रोध श्रापग्रस्त परिवारों में आता है। लेकिन कोरह के पुत्रों ने परमेश्वर की उस व्यवस्था को जैसे तोड़ दिया, उनके समर्पण के कारण, उनके परमेश्वर से स्नेह के कारण, वो परमेश्वर के लिए कितना प्यासे थे और उन्होंने परमेश्वर का इतना मान किया कि वो श्राप उनके परिवार से दूर हो गया। वे जो परमेश्वर के द्वेड़ी में द्वारपाल थे, वो जो गेटकीपर्स थे, परमेश्वर ने उन्हें वर्शिप लीडर बनाया और उन्होंने भजन संहिताएं लिखी। 11 भजन संहिता लिखने का उन्हें वो विशेष अधिकार या प्रिविलेज मिला और परमेश्वर ने उस समय के बाद कोरह की पीढ़ी को अनुग्रहित किया। श्राप से वो अनुग्रह की ओर आ गए। इसलिए ये हमारा निर्णय है, हमारे चारों ओर हमारे माता पिता भी अगर गलत राह में जा रहे हैं तो हम उनके उदाहरण को ना फॉलो करें, बल्कि हम जीवित परमेश्वर और उसकी व्यवस्था से लिपटे रहें और ये हमारे जीवन में बहुत अधिक अनुग्रह का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करे। धन्यवाद। Thank you.